जरा याद करिए कतर कैसे गरमाया था वो 8 लोगों को फांसी बिना सुनवाई और बिना कहे सुने, और उसका क्या नतीजा निकला। तब हम लोगों ने तब भी कहा था कि जरा रुक जाइए, ये अभी तेजी में है, अभी इसका नशा उतर जाएगा। तो भारत ने कोई लंबे लंबे दावे या डराने डराने की बात थोड़ी की थी, भारत ने अपना आधिकारिक तौर पर बयान दे दिया था, ये संकेत कर दिया था कि हम नाखुश हैं तुम्हारी इस करतूत से, और उसके बाद परिणाम आपने देख लिया। तो भारत अब दूसरे स्थिति में है। हमारे यहाँ के कुछ एहसान फरामोश गद्दार जिसे कहना चाहिए, वो उस कद को उस वजन को नकारने के लिए नरेंद्र मोदी को गरियाते रहते हैं। मेरा कोई भाजपा से लेना देना नहीं, मनीष जी से मेरी अक्सर बात होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कमाल किया, इतिहास रचा है 10 साल के अंदर, इसको आप स्वीकारिए। इतना इसको स्वीकारिए। अब दम देखिए इतना दमदार भारत मलेशिया 1000 साल पहले कभी रहा होगा, बिल्कुल, अंग्रेजों को समय भी नहीं था। और इस बात को समझना जरूरी होगा कि एक चीज से, चाहे वो आंदोलन जीवी से, कि कैसे इन लोगों ने षड्यंत्र फरेब रच करके एक नैरेटिव बनाया। मुझे लगता है कभी हाँ हम लोगों ने कई खंड में कैसे कई एक दिन इसे बहुत इस नैरेटिव के लिए हम लोग अलग से शो करना चाहेंगे कि कैसे ताजमहल का नैरेटिव बनाया गया, कैसे हिंदू मंदिरों के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, कैसे हमारे इतिहास के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, और किसके द्वारा, सिर्फ इरफान हबीबों के द्वारा नहीं, कई प्रेमशंकर झाओं के द्वारा, कई ऐसे ऐसे लोग पैदा किए गए भारत के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने के लिए। और आज अभी जो आपने कहा सर कि इशारा किया था मलेशिया को, हाँ मालदीव को तो, मालदीव को तो, मालदीव को तो वो भी नहीं किया था, सिर्फ लक्षद्वीप पर 2 कदम चले थे मोदी। अब शैलेंद्र जी अपने सवाल को चेंज कर कह रहे कि क्षमा मनीष जी, मलेशिया नहीं, मालदीव के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। हाँ नहीं तो वो तो मैंने बताया कि 44,000 आदमियों की नौकरी चली गई, वो विदेश मंत्री आया होगा एप्लीकेशन लेके कि दया करो निपट जाएंगे हम, वो तो उसका कुछ सोचना ही नहीं है। वो 44 बनी थी, बताया ना, 44,000 लोगों की नौकरी, मतलब 44,000 परिवार, और मालदीव की कुल आबादी 4 लाख 5 लाख है, तो समझिए 40-50% तो पूरा देश जो है बेरोजगार, और भारत के हाथ खींच लेने से। मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, भारत जिस समय बायकॉट करेगा, भले अघोषित बायकॉट करे, तो दुनिया के कई देश बायकॉट कर देंगे अपने आप। फिर वही बात आ जाती है कि ये मैं जरा याद करिए, सीनियर सिटीजन से भी कहूंगा कि इतना रंगबाज भारत आपने कब देखा या कब पढ़ा कि इतना ऐसी रंगबाजी भारत की रही हो। मैं तो फिर लखनऊ की भाषा में बात करूंगा कि रंगबाज भारत, रंगबाज प्रधानमंत्री और रंगबाज सरकार और रंगबाज विदेश मंत्री, ये है आज का भारत। ये है आज का भारत। मनीष जी अगर और आपको ये बढ़िया टॉपिक आ गया इस पे बात करने का, कि मैं दर्शकों से कहूंगा कि अगर आपको याद आ जाए, आज नहीं कल तक याद आ जाए, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि पिछले 10 साल में एक एक भी अवसर ऐसा बताइए जब भारत झुक के बात की हो भारत ने किसी से, एक भी अवसर पूरी दुनिया के किसी देश से कि झुक के बात की हो, जहां ये हो कि नहीं भारत बैकफुट पे आ गया है, डर गया या झुक गया है। यानी चीन के भी अगर उसने हमारे 16 सैनिक बलिदान किए थे तो उसके 80 मरे थे, वो 40-45 मानता है, जो अब सेटेलाइट से फोटो आई तो 84 कब्रें वहां पे मनीष जी गलवान में बनी थी, जहां पे सैकड़ों मील तक कोई आबादी नहीं रहती, और वो अमेरिका की सैटेलाइट से वो फोटो ली गई थी, तो 84 कब्रें वहां, अगर हमारे 16 मारोगे तो हम तुमको तुम्हारे 80 मारेंगे, ये तेवर है आज के भारत के, और जिसको देख के आनंद आता है, गर्व होता है।